हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स देखेंगे। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं एंड दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, हमने कोफैक्टर्स निकालना देखा था जब हम किसी मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड आउट करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में हम कोफैक्टर्स भी निकालते हैं। तो आज देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है एंड कैसे फाइंड आउट करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने एक डिटर्मिनेंट लिया हुआ है यहाँ पे, जो कि 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट के लिए हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने असाइन करना होगा किसी भी रो या कॉलम को। अगर हम फर्स्ट रो के लिए साइन असाइन कर रहे हैं, उसका मतलब होता है कि हम यहाँ पर उसके लोकेशन से हम उसको देखेंगे कि उसको क्या साइन मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है A11, इस एलिमेंट के लिए IJ, मतलब I होता है रो एंड J होता है कॉलम, तो फर्स्ट रो में है ये एंड फर्स्ट कॉलम में है। इस केस में इसको क्या साइन असाइन करना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है -1 ब्रैकेट में फिर I+J। अब I हमारा 1 है एंड J हमारा 1 है, दोनों ऐड होंगे तो 2 मिलेगा हमें। इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई होगी -1 के साथ और I+J के साथ। ऐसे ही आप हर एक एलिमेंट को असाइन करेंगे साइन, लेकिन अभी इस केस में हम रो 1 के लिए एक्सपैंड करने वाले हैं तो रो 1 के लिए साइन असाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे -1 एंड ये 2 हो जाएगा। -1 को दो बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब पॉजिटिव 1 ही मिलेगा। तो इस केस में A11 को पॉजिटिव साइन ही रहेगा, वो उसको पॉजिटिव साइन ही मिलेगा। A12 के केस में देखते हैं साइन उसको क्या मिलेगा, 1+2 3 हो जाएगा, जो कि एक ऑड वैल्यू है। 3 -1 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 के साइन तो कैंसिल आउट हो जाएंगे लेकिन 1 का साइन बचेगा, वो साइन हम A12 को दे देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा वैल्यू। ऐसे ही थर्ड के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए यहाँ पर I और J है 1 और 3, इनको ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा, जो कि एक इवन वैल्यू है, तो चारों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, किसी में भी कोई भी साइन नहीं बचेगा माइनस का, तो यहाँ पे पॉजिटिव आंसर हमें मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपने साइन असाइन करने होंगे किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए। जो अगर आपको बोला गया रो 1 के लिए एक्सपैंड कीजिए, रो 2 के लिए कीजिए, रो 3 के लिए कीजिए, तो कैसे आपने साइन असाइन करना होगा उसके लिए ये तरीका है। लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो क्या है उसके लिए ±+, यहाँ पर -++ देन ±+। तो ऐसे ही आप किसी भी रो के लिए, कॉलम के लिए एक्सपैंड कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखिएगा। तो डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट के लिए क्या होगा, सबसे पहला एलिमेंट A11 के लिए रो एंड कॉलम साइड होंगे, इसका ये कॉलम 1 है और ये रो 1 है। तो एलिमेंट्स हमारे पास आए A22, A33, A23, A32, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एंड माइनस साइन हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये साइन तो पॉजिटिव होगा इसके ऊपर A2 के साथ और यहाँ पर नेगेटिव, तो ऐसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, माइनस क्योंकि सेकेंड वाला एलिमेंट नेगेटिव है, इसके लिए रो एंड कॉलम साइड करेंगे। तो एलिमेंट्स आए हमारे पास A21, A31, A23, A33, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में A21 की इंटू A33 के साथ माइनस A23 की इंटू A31 के साथ। अब लास्ट एलिमेंट जो है उसमें पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव ही साइन हम लिखेंगे एंड उसके लिए भी रो एंड कॉलम साइड करेंगे। तो हमारे पास एलिमेंट्स आए A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉल्यूशन होगा डिटर्मिनेंट के लिए। अब देखते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, हर एक डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग कोफैक्टर फाइंड आउट होता है। तो कैसे आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं देख लेते हैं। C11, यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 कोफैक्टर्स आपने निकालने हैं। तो पहला है C11, जिसमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। इस केस में आपने साइन का ध्यान रखना होगा,
तो साइन कैसे असाइन करना है, माइनस वन एंड वन प्लस वन को फैक्टर की पोजीशन जो होगी एंड रो एंड कॉलम्स हाइड करेंगे तो आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा 2/2 का, उसको लिखेंगे, सॉल्व करके आया 822 इंटू 833 माइनस 823 इंटू 832। तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पे कोफैक्टर पहले एलिमेंट के लिए हमारे पास इतना आया 822 इंटू 833 माइनस सेम एज इट इज ये आया, लेकिन A11 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हम नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए डायरेक्ट आपने ये फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें आपने साइन का ध्यान रखना होगा। कोफैक्टर्स में साइन का ध्यान रखना होता है, माइनस में कोई साइन आपने नहीं लगाना होता। तो पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं फिर माइनस देखेंगे। अब C1 के लिए, C12 के लिए माइनस वन, वन प्लस टू, यहाँ पर ये थ्री हो जाएगा, थ्री हो जाएगा तो एक ऑड वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको साइन असाइन किया है नेगेटिव, एंड इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रो एंड कॉलम्स हाइड करके वन और टू के लिए। अब वन थ्री के लिए भी निकालेंगे कोफैक्टर, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो ये एलिमेंट्स हमें मिलेंगे, एंड साइन असाइन करने के लिए माइनस वन में ब्रैकेट में प्लस वन प्लस थ्री, पॉजिटिव ही होगा क्योंकि फोर आएगा। ऑड इवन का आपने ध्यान रखना होगा इस केस में, ऑड होगा तो नेगेटिव साइन, इवन होगा तो पॉजिटिव साइन, एंड बाकी के और एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। तो सी टू एलिमेंट हमारे पास आ गए हैं, ये फार्मूला हमें मिला सी टू वन के लिए, ऐसे ही सी टू टू के लिए, सी टू थ्री के लिए साइन ध्यान रखना होगा, साइन हमने असाइन करते हुए चलना होगा, सी थ्री वन, सी थ्री टू एंड सी थ्री थ्री। तो फ्रेंड्स कोफैक्टर्स में हमें साइन का ध्यान रखना होता है। अब माइनस देखते हैं, माइनस कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। माइनस के केस में आगे कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू नहीं यूज करनी है, इसमें कोई साइन असाइन नहीं किया जाता, यहाँ पर डायरेक्ट ही पोजीशंस हाइड करने के बाद जो डिटर्मिनेंट आया उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करने पर हमें ये एलिमेंट्स मिलेंगे एंड इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे तो वो माइनर वन वन होगा, एम वन वन वैल्यू होगी। ऐसे ही M12 भी हम फाइंड आउट करेंगे बिना किसी साइन के। फिर इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लें या माइनस फाइंड आउट कर लें। कोफैक्टर्स के केस में माइनस या प्लस का साइन ध्यान रखना है एंड इस केस में कोई साइन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर से ये पूरा विदाउट साइन हम लिख लेंगे M12 के लिए एंड ये तो सेम ही रहेगा। ऐसे ही M21 के लिए, फिर 22 के लिए, 23 के लिए, लेकिन माइनस में कोई साइन असाइन नहीं होता। तो फ्रेंड्स आपने ऐसे माइनस के लिए एलिमेंट्स फाइंड आउट करने होंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं कि माइनस एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालना है जब आपको वैल्यूज गिवन होंगी। वही जो अभी हमने देखा उसी तरीके से आपने वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी होगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन है, राइट डाउन द माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट फॉर फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। एक डिटर्मिनेंट गिवन है 3/3 का एंड दूसरा है 2/2 का। तो पहले के लिए माइनस फाइंड आउट करते हैं। माइनस निकालने के लिए M11 के लिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे एंड माइनस वन की अब मल्टीप्लाई होगी 2 के साथ, माइनस 5 की मल्टीप्लाई होगी 6 के साथ। तो सॉल्व करके आया माइनस 2 माइनस 30, तो वैल्यू हो गई माइनस 32। देखिए हमने यहाँ पे इसके लिए कोई साइन नहीं यूज़ करना है, कोई माइनस वन के साथ कोई पोजीशन नहीं आप यूज़ करेंगे। इसमें बिना साइन के आप सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारी ये फर्स्ट 6 वैल्यूज़ आ गई हैं माइनस की, बाकी की 3 वैल्यूज़ और फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी साइन आपने नहीं असाइन करना है, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट, डायरेक्ट आपने पोजीशन हाइड करने के बाद डिटर्मिनेंट लिखना है एंड सॉल्व करना है उसको। बाकी के एलिमेंट्स देखते हैं, तो बाकी के एलिमेंट्स भी हमारे आ गए हैं। ऐसे आपने फाइंड आउट करना होगा माइनस। नेक्स्ट निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के केस में आपने साइन का ध्यान रखना होगा। तो देखिए कैसे, फ्रेंड्स माइनस में हमारी जो M11 की वैल्यू आई थी वो माइनस 32 थी। कोफैक्टर के केस में अगर पोजीशन का हम ध्यान रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 होगा, जो कि एक इवन वैल्यू है।
इवन वैल्यू के लिए कोई साइन असाइन नहीं होता तो पूरी वैल्यू सेम हो जाएगा माइनर का. तो यहाँ पर M11 जो -32 है वही सेम C11 -32 होगा. अब C12 देखते हैं. अगर C12 के केस में 1+2 3 होगा तो यहाँ पर आपने साइन नेगेटिव लगाना है. नेगेटिव साइन लगाएंगे और वैल्यू आपने लिखनी है -7 ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू हो गई. तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने बस पोजीशन वाइज साइन असाइन करते हुए चलना है, क्योंकि माइनस के लिए तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ही ली थी, सिर्फ साइन का ध्यान रखते हुए आपने उसको सॉल्व कर लेना है वैल्यूज को, अगर नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन जो भी जिस तरीके से वो आ रहा है. तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमने देखिए यहाँ पे C13 के लिए 27 वैल्यू हमने लिखी है, कोई इसमें साइन नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये 21 है जो कि 3 हो जाएगा, साइन लगाया है हमने, 28 हो गया माइनस का. ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स में भी कर लेंगे. तो फ्रेंड्स ऐसे आपने कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं एक डिटर्मिनेंट के लिए. अब बी पार्ट है 2x2 का डिटर्मिनेंट, जिसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स यहाँ हम निकाल रहे हैं. M11 पहला माइनर जो होगा फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करके मिलेगा, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट मिला 5, कोई साइन का नहीं यूज करना है इसमें. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट मिला 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3. एंड कोफैक्टर्स के केस में साइन का ध्यान रखेंगे, तो C11 इक्वल्स टू 5 ही होगा, लेकिन C12 -2 होगा, एंड C21 के केस में भी माइनस साइन असाइन करेंगे तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा. तो ऐसे ही आपने 3x3 का ऑर्डर अगर गिवन है या 2x2 का डिटर्मिनेंट गिवन है तो आपने ऐसे कोफैक्टर्स एंड माइनस फाइंड आउट करने हैं. अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें. थैंक यू.